प्रत्येक क्षेत्र के विकास समान रूप से करे ऐसी सरकार चुनने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमने अपने आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपसे कई सारे सुझाव मांगने का कोशिश किया था, आपसे सुझाव मांगा था और मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके द्वारा कई ऐसे प्रश्न जो मेरे पास अपने उत्तर के लिए भेजा गया है, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न। और यह प्रश्न ही नहीं, मेरे लिए एक मार्गदर्शन भी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं आज देश में एनडीए की सरकार चल रही है, जिस सरकार का के सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलना और कई महत्वपूर्ण इस देश के हित के लिए मुद्दे थे, जिस मुद्दों पर काम कर किया गया। आप देख रहे हैं इतना बड़ा संकट इस देश पर आया, कोरोना महामारी का संकट आया, लेकिन हम लोग को अपने माननीय प्रधानमंत्री पर गर्व है। ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण कोरोना जैसी महामारी से दुनिया की इतनी बड़ी विकसित देश जो इस महामारी को नहीं संभाल पाया, आज हमारे भारत के सोचने का समय आता था और उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण लिए और उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा, यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और ठीक उसी के अनुरूप कभी सोच नहीं सकता था कि गरीब कभी बैंक के दरवाजे पर जाए। गरीब को लगता था कि बैंक जो है अमीरों के लिए होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खोलने के माध्यम से प्रत्येक गरीब को बैंक पर पहुंचाने का काम किया और देश में प्रत्येक गरीब का जनधन खाता खुलकर तैयार है। आप देखते होंगे जब जनधन खाता खुल रहा था तो लोगों के बीच हमारे विपक्षी कहते थे ये ठगने का काम करते हैं, लेकिन आज जब यह महामारी का दौर आया और इस महामारी के दौर में सारे लोग जब देखे कि इस जनधन खाता के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट प्रत्येक खाता में 500 रुपया के हिसाब से 3 बार भेजने का काम किए।